आज ही के दिन वर्ष 1953 में सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण की घोषणा की थी। इससे कुछ ही दिन पहले 8 अगस्त 1953 को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जाजा मेलेंकोव ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हाइड्रोजन बम पर अब सिर्फ अमेरिका का एकाधिकार नहीं है। 1955 में आज ही के दिन मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांस के खिलाफ हुए विद्रोह में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। द नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने 123 लोगों को जान से मार डाला था, जिनमें बूढ़े, बच्चे और औरतें सभी शामिल थे। आज ही के दिन 1977 में नासा ने वॉयगर 2 को प्रक्षेपित किया था। ये वॉयगर 1 के पहले प्रक्षेपित किया गया। वॉयगर 2 को दूसरे प्रक्षेपथ पर भेजा गया और ये बृहस्पति और शनि ग्रह पर वॉयगर 1 के बाद पहुंचा। आज ही के दिन 1995 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई थी। बीच नई दिल्ली से रवाना होने के बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस बीच रास्ते में ही कालिंदी एक्सप्रेस से जा टकराई थी। यह हादसा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। हादसे में 250 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2014 आज ही के दिन अयंगर योग की स्थापना करने वाले योग गुरु BKS अयंगर का महाराष्ट्र के पुणे शहर में निधन हो गया था। उनका जन्म 4 दिसंबर 1918 को हुआ था। उन्होंने योग, इसके अभ्यास तथा इसके तरीकों पर कई किताबें लिखी। योग में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें साल 1991 में पद्मश्री और साल 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया।